दोस्तों, त्रिवेणी स्पार्क शाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्ट्रीट पे मिलने वाला घुघरा सैंडविच की रेसिपी, जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान है और बिना किसी ज्यादा तामझाम के ये रेसिपी बहुत ही झटपट से बन जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस रेसिपी की तरफ। दोस्तों, घुघरा सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 कप बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं, 1 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है, 1 कप उबले हुए अमेरिकन कॉर्न के दाने हैं, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, 6 स्लाइस हमने ब्रेड के लिए हैं जिनके किनारे निकाल लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। इसके अलावा हमने लिया है काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, थोड़ी सी धनिया पुदीना की चटनी, कुछ चीज़ के क्यूब्स और सैंडविच सेकने के लिए हमने बटर ले लिया है। सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे, उसके लिए एक बॉल ले लिया है और इसमें हम बारीक कटी हुई सब्जियां डाल देंगे। दोस्तों, घुघरा सैंडविच बनाने में हमें बहुत ज़्यादा सब्जियों की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास कॉर्न नहीं भी हो तो आप शिमला मिर्च, प्याज, धनिया का इस्तेमाल करके भी ये स्टफिंग तैयार कर सकते हैं। और इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे क्योंकि चाट मसाला में काफ़ी मात्रा में नमक होता है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आप नमक टेस्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस, ये मीडियम साइज़ वाला नींबू है। अगर आपके पास नींबू नहीं हो तो आप 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्टफिंग हमारी तैयार है और ब्रेड को भी हमने अरेंज कर लिया है। इस पर हम बटर लगाएंगे सभी ब्रेड के ऊपर। ध्यान रहे, बटर अच्छे से मेल्ट होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे ताकि अच्छे से स्प्रेड हो। बटर लगा देने के बाद इस पर हम 1-1 टीस्पून के करीब हरी चटनी भी स्प्रेड करेंगे। हरी चटनियों की विधि हमारे चैनल पर मौजूद है। 4 चटनियों की विधि है जिसमें आप 2nd नंबर वाली चटनी चेक करेंगे तो ये वही चटनी है जो अभी हम अप्लाई कर रहे हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में देख लिया है, आप ज़रूर चेक करें। चटनी को अच्छे से लगा लें और इस पर हम 2 से 3 टीस्पून स्टफिंग को अरेंज करेंगे। हमें 4 ब्रेड के ऊपर स्टफिंग अरेंज करनी है। इस तरीके से हम स्टफिंग को सभी तरफ अच्छे से फैला लेंगे। दोस्तों, ये घुघरा सैंडविच अहमदाबाद के माणिक चौक के बहुत ही ज़्यादा फेमस सैंडविच हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बनते हैं, तो आप इन्हें ट्राई ज़रूर करें। और अब हम इस पर लगा देंगे मेयोनीज़। मेयोनीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप लगाएं, नहीं तो कोई बात नहीं। मेयोनीज़ लगा देने के बाद इस पर हम चीज़ को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। चीज़ आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं, पर 1 चीज़ का क्यूब 2 ब्रेड पर आराम से स्प्रेड हो जाएगा इस तरीके से। अगर आपके पास चीज़ नहीं भी हो तो आप चीज़ स्लाइस का इस्तेमाल करें। और इस पर हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा सा चाट मसाला और काली मिर्च पाउडर, जिससे टेस्ट और भी अच्छा आए। और इस तरीके से हम सैंडविच को अरेंज करेंगे। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं आपको बिल्कुल वैसे ही अरेंज करना है। ये सैंडविच हमारे सेकने के लिए अब तैयार हैं और इस पर हम बटर अच्छे से अप्लाई करेंगे। आप ब्रेड के ऊपर बटर काफ़ी अच्छे से लगाएं ताकि जब हम इन्हें सेकें तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हो। यहाँ पर हम इस तरीके के सैंडविच मेकर में इन्हें बना रहे हैं, जो कि बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। आपके पास जो भी घर में सुविधा हो आप उस हिसाब से इन्हें बना सकते हैं। अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं हो तो आप इन्हें तवे पर भी बना सकते हैं। इस तरीके से हम इन्हें लॉक कर देंगे और जो एक्स्ट्रा ब्रेड है उसे निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर इस तरीके से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो प्रॉपरली मार्केट में मिलते हैं वो इसी तरीके के सैंडविच मेकर में बने हुए मिलते हैं। आप अपने घर में ग्रिलर पे या किसी भी सैंडविच मेकर पे या तवे में बना सकते हैं। गैस ऑन करके हम इन्हें इस तरीके से सेकेंगे। उलटते पलटते हुए हमें इसे सेकना है और इसे सेकते हुए हमें 1 से 1.5 मिनट का समय लगता है। बीच बीच में आप इसे खोल कर चेक भी कर सकते हैं। 1.5 मिनट बाद ये काफ़ी अच्छे से सेक गए हैं और बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। इसी तरीके से हमें सभी सैंडविच बनाने हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये सैंडविच बन के तैयार हुए हैं। दोनों ही लेयर बहुत ही क्रिस्पी सिक कर तैयार हुई है और जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है उससे आप इस तरीके के 4 पीस सैंडविच के तैयार कर सकते हैं। ये 2 पीस अभी तैयार हुए हैं, जो स्टफिंग बताई है उससे आप 2 और तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे से ये सैंडविच अंदर से भी
स्टफिंग से भरे हुए हैं। स्टफिंग भी काफ़ी अच्छे से अब भुन चुकी है, साथ ही में चीज़ मेल्ट हो गया है, उसकी वजह से ये सैंडविच बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इसे हम गार्निश कर देंगे थोड़ी सी मेयोनीज़ के साथ, क्योंकि बच्चों को इस तरीके की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है और ये देखने में बिल्कुल मार्केट वाला लुक देते हैं। पर अगर आपके पास नहीं भी हो तो आप इन्हें ऐसे ही सर्व करें, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सैंडविच बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हुए हैं, देख कर ही खाने का मन कर जाए बिल्कुल वैसे ही। तो आप इन्हें किसी भी चीज़ के साथ बना कर सर्व कर सकते हैं, तो आप भी इन्हें बनाएं और अपने परिवार के साथ इसका आनंद लें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा दें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो ढेर सारा लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करें। अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खाओ पियो और स्वस्थ रहो।